ओमिक्रॉन का खतरा देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखते देखते ये वायरस अब देश के 21 राज्यों तक पहुंच चुका है और इस नए वेरिएंट की प्रसार की वजह से कोरोना के रोजाना मामलों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,195 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले दिन के 6,358 मामलों से काफी ज्यादा है। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को साझा किए। वहीं इस दौरान 302 लोगों की मौत हो गई। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर ओमिक्रॉन के 128 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 781 हो गई। हालांकि ओमिक्रॉन के 241 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ओमिक्रॉन की डर की वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और ये सही भी है क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमित दिल्ली ही है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 238 हो गए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 167 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में 73 और केरल में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 65 हो गई है। बता दें कि भारत में वर्तमान में कोरोना के 77,002 मामले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना की 64,61,321 वैक्सीन खुराक देने के साथ भारत का कोरोना टीकाकरण कवरेज 143 करोड़ तक पहुंच चुका है। मंत्रालय ने कहा है कि 16 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन खुराक अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज मंत्रिपरिषद के साथ बैठक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक शाम 4 बजे शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। INS रिपोर्ट।